ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय बंधुओं, भगवद गीता पारायण के छठे अध्याय का समय आ गया है। अब तक हमने पांच अध्यायों के श्लोकों का पारायण किया है सराग। छठे अध्याय का नाम है आत्मसंयम योग। आत्मसंयम बहुत महान विषय है। ये जो कर्म योग के छह अध्याय हैं, उन छह अध्यायों में आखिरी अध्याय है और इसका नाम आत्मसंयम। किस प्रकार स्वयं पर नियंत्रण करें और किस प्रकार संकल्प से सिद्धि को प्राप्त करें, इसमें बहुत महत्वपूर्ण महान श्लोक आए हैं इस अध्याय में। तो आए, इसका नाम से ही स्पष्ट है, आत्मसंयम, स्वयं पर नियंत्रण, सिद्धि की ओर। संकल्प से सिद्धि कैसे प्राप्त करें, षष्ठ अध्याय के श्लोकों का पारायण करते हैं। श्री भगवान वाच, अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः, सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अनाश्रितः, न आश्रित इति अनाश्रितः, अर्थात जो कर्मफल पर आश्रित रह करके, अनाश्रित का मतलब है नहीं आश्रित रह करके, आश्रित रहने वाला आश्रित, जो आश्रित नहीं रहता है वह अनाश्रित। कर्मफल पर आश्रित, आश्रय न लेकर के जो कार्यम कर्म का कार्यम का मतलब विधि सम्मत, जो निष्काम कर्म है, जो शास्त्रोक्त कर्म है उन्हें संपादित करता है, जो पुरुष कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करता है, करोति इति करता है, यह इति जो। ससन्यासी, वही सन्यासी है, च योगी च, वही योगी है। भगवान के अनुसार सन्यासी कौन है, योगी कौन है, इसको परिभाषित किया गया श्लोक में। भगवान के मत में सन्यासी वही है जो कर्मफल का आश्रय न लेकर के विधि सम्मत शास्त्रोक्त निष्काम कर्म, अनासक्ति कर्म का विधान करता है, कर्मफल की आशा को छोड़ करके। निरग्नि ही न अक्रिय न, अर्थात निरग्नि ही सन्यासी नास्ति न विद्यते च अक्रिय अपि योगी ही न भवति नास्ति। यहाँ क्या मतलब है इसका, क्या अग्नि का परित्याग करने वाला ही सन्यासी है? अमूमन तो यही कहा जाता है कि जो अग्नि का परित्याग कर देता है, अर्थात अग्नि का त्याग करता है, हवन में अग्नि स्वाहा करके वो जो वो इस प्रकार की आहुतियाँ नहीं देता है, हवन में अग्नि का त्याग, हवन नहीं करना, यज्ञ कर्म में सन्यासी यज्ञ कर्म में आहुतियाँ नहीं देता है, ऐसा माना जाता है अमूमन। वस्त्र प्रायः गेरु वस्त्र धारण करना, कर्म नहीं करना, हवन में मतलब अग्नि में हवन आदि कर्म नहीं करना, ये सन्यासी के सामान्य लक्षण हैं। लेकिन यह भगवान तात्विक रूप से किसको सन्यासी कह रहे हैं, जो अनाश्रित होकर के, अर्थात कर्मफल को अनाश्रित होकर के कार्य करता है, कर्मों के फल का आश्रय न लेने वाला विधिपूर्वक निष्काम कर्म करता है, वही सन्यासी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला निरग्नि अग्नि रहित ही सन्यासी नहीं है, और न अक्रिय, और अक्रिय का मतलब कर्म नहीं करने वाला व्यक्ति, न योगी, अर्थात कर्म नहीं करने वाला योगी से तात्पर्य है कि क्रिया रहित पुरुष को, काम नहीं करने वाले पुरुष को योगी नहीं कहा जाएगा। अक्रिय योगी नहीं है और निरग्नि सन्यासी नहीं है। वास्तविक सन्यासी वो है जो इस प्रकार अनाश्रित होकर के कर्मफल का आश्रय न लेकर के कार्य करता है। इस प्रकार यहाँ भगवान आदि जगत गुरु भगवत पाद शंकराचार्य ने भी ये कहा है कि सामान्यतः सन्यासी तीन प्रकार की अग्नियाँ होती हैं, गर्भपत्य, आहवनि और दक्षिणाग्नि। सन्यासी इन तीन अग्नियों से पृथक रहता है। लेकिन यहाँ कर्मयोगी कर्म सन्यासी के लिए अग्नि का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। यम संन्यासमिति प्राहुर योगं तं विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम संन्यासमिति प्राहु, यम संन्यासमिति जिसको संन्यास कहते हैं, यम जिसको संन्यासम संन्यास कहते हैं, प्राहु कहा जाता है, योग योगतम विद्धि पांडव, हे पांडव तुम उसको वियोग समझो, हे पांडु पुत्र, पांडु का पुत्र था इसलिए
पांडव, यहाँ भगवान का संबोधन है पांडव। हे अर्जुन, हे पांडव पुत्र, जिसे संन्यास कहा जाता है परिभाषा में, उसी को योग समझो। जो संन्यास है वही योग है। संन्यास का तात्पर्य है कर्मफल की भोगेच्छाओं, जो भोग की इच्छाएं उनका त्याग कर देना, यही तो योग है। तुम उसे ही योग जानो। न यह न ही असन्यस्त संकल्पो, यहाँ कहा गया है कि हे पांडुपुत्र, क्योंकि असन्यस्त संकल्पो, संकल्पों का त्याग करने वाला ही योगी होता है। लेकिन यहाँ कहा गया है असन्यस्त ही असन्यस्त यसन्यस्त, इसको पूरा देखेंगे कैसे कि असन्यस्त संकल्प न योगी। हे अर्जुन, जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया है वो योगी नहीं है। तो वस्तुतः योगी कौन हुआ? जिसने संकल्पों का त्याग कर दिया, जिसने भोगेच्छाओं का त्याग कर दिया, जिसने विषय वासनाओं के प्रति जो भोगने की प्रबल इच्छा हाय रहती है उसको जिसने छोड़ दिया है, ऐसा संन्यस्त संकल्प योगी भवती, असन्यस्त संकल्प योगी न भवती कश्चन कभी भी। हे अर्जुन, तो जिसको संन्यास कहा जाता है वही योग है वास्तव में। तो यह संन्यास इच्छाओं का, इच्छाओं को छोड़ देना, इच्छाओं का परित्याग कर देना। अगला श्लोक देखते हैं। आरुरुक्षोर्मुने योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। फिर से देखते हैं पहले पंक्ति। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं, आरुरुक्ष अर्थात योगारूढ़ होने की इच्छा, योग में प्रवृत्त होने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए योगारूढ़ होने की इच्छा, योग मुनि के लिए। मुनि भी पहले भी शब्द आया है, स्थिरधि मुनि उच्यते संस्कृत शब्दकोश में, मन धातु में इन प्रत्यय करने से मुनि शब्द बनता है। अर्थात जिसका अर्थ होता है जो जानाति मनुते, मनुते जानाति यह सह तत्वम, अर्थात जो विचार करता है, विवेचन करता है उचित अनुचित का, वही योगी मुनि है। तो जो योगारूढ़ होने के लिए इच्छा है जिसके अंदर, आरुक्ष मुने योगम आरुक्ष, योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाले मुनि के लिए, उसके जो सामान्य कर्म है, वो जिन कर्मों का आश्रय लेता है वे उसके लिए हेतु होते हैं, वही कारण होते हैं, प्रवृत्ति रूप कारण होते हैं वे कर्म। कौन से कर्म? कर्मयोग, निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म, समत्व बुद्धि योग। ऐसे योगारूढ़ मुनि के लिए, योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाले मुनि के लिए, उसके द्वारा किए जा रहे कर्म हेतु परक होते हैं, कारण होते हैं, प्रमुख उपादान होते हैं। जबकि योगारूढ़स्य तस्यैव तस्यैव तस्यैव, जबकि योग में आरूढ़ हो चुके, योग में, योग मार्ग में प्रविष्ट हो चुके साधक के लिए, तस्यैव उसके लिए शमः कारणमुच्यते। इच्छा वाले के लिए तो उसके कर्म प्रधान कारण होते हैं जो उसको उसमें प्रवृत्त करते हैं, लेकिन जो आरूढ़ हो चुका है, जो योग मार्ग में प्रविष्ट हो चुका है, जिसने साधना लगभग लगभग पूरी कर ली है, ऐसे व्यक्ति के लिए उसके द्वारा किए जा रहे जो उसका जो शम है, शम का मतलब है शांति, और भी कहें तो शांति का अर्थ है निवृत्ति, फलों की निवृत्ति, कर्म से निवृत्ति। जो शम है, शमादिष्टक संपत्ति, शम दम प्रति दीक्षा समाधान, तो ये जो शम है वह उसके लिए कारण है। योगारूढ़ के लिए शम उसका कारण है, शम उसके प्रवृत्ति मार्ग का प्रमुख हेतु है। इच्छा रखने वाले के लिए साधारण कर्म उसका कारण होते हैं प्रवृत्ति मार्ग के, जबकि योग में प्रविष्ट योगारूढ़ व्यक्ति के लिए शम उसकी संपत्ति है, शम उसका प्रधान कारण है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। इस श्लोक को संधि विग्रह करके एक बार पढ़ते हैं तो उसका काठिन्य दूर हो जाएगा। कैसे देखते हैं। यदा हि न इन्द्रियार्थेषु, फिर से देखें, यदा हि न इन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी
योगारूढ़ तदा उच्चते, अपने आप समझ में आ जाएगा कहाँ गुण संधि हुई है, कहाँ जन संधि हुई है। न इंद्रियार्थेषु नेन्द्रियार्थेषु कर्मसु अनुषज्यते कर्मस्व अनुषज्यते योगारूढ़स्तदुच्यते स्तदुच्यते योगारूढ़ तदा उच्यते। यदा जब न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते, न तो साधक इंद्रियों के विषयों में आसक्त होता है, न कर्मसु अनुषज्यते न कर्मों में आसक्त होता है। अर्थात इसका योगी कोई कर्मयोगी निश्चयपूर्वक जब न तो इंद्रिय और उनके विषयों में प्रवृत्त होता है, आसक्ति उसे लुभा सकती है, न तो न कर्मों में वह आसक्त होता है, तब ऐसा यदा आए तदा आएगा। यदा तदा सर्वसंकल्प संन्यासी, हे अर्जुन सभी प्रकार के संकल्पों का संन्यास्त कर देने वाला, सभी संकल्पों का त्याग कर देने वाला व्यक्ति योगारूढ़ तदा उच्यते, तभी वह योगारूढ़ कहलाता है, योग में आरूढ़ कहलाता है। तो दो शब्द हैं, एक तो इच्छा रखना और एक योगारूढ़ योग में प्रवृत्त हो जाना, सभी प्रकार की भोगेच्छाओं का, सभी प्रकार के विषय वास्तवों को भोगने की इच्छा का, संकल्पों का संन्यास कर दे छोड़ दे वो व्यक्ति योगारूढ़ है। अगला श्लोक देखते हैं, ये महान श्लोक है, इस विषय में आया हुआ ये, इस पर हम थोड़ा व्याख्यान करेंगे। उद्धरेदात्मनात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। फिर से देखते हैं, संधि विग्रह करके देखते हैं। उद्धरेत् आत्मना आत्मानम् न आत्मानम् अवसादयेत् आत्मा एव हि आत्मनः बन्धुः आत्मा एव रिपुरात्मनः। अर्थ स्पष्ट हो गया, क्या कहना चाहते हैं, कितना महान श्लोक है, इसकी व्याख्या इस श्लोक की बहुत प्रासंगिक है। मैं चाहूँगा कि आप इसको ध्यान से सुने सभी, क्योंकि ये ऑटो थेरेपी का श्लोक है, ये भगवान श्री कृष्ण का त्रिकालावादित संदेश है, ये संदेश कभी समाप्त नहीं होने वाले। जब तक इस धरती पर नदियाँ हैं पर्वत हैं, तब तक महाभारत और रामायण के संदेश प्रसरित रहेंगे और चराचर जगत का कल्याण साधते रहेंगे। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये श्लोक का विषय अगर आप कहो तो आत्मोद्धार है, हमारी अपनी अच्छी स्थिति और बुरी स्थिति के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। श्लोक में क्या उद्धरित का मतलब उद्धार करना चाहिए, उद्धरित उद्धार करना चाहिए। आत्मना आत्मानम, स्वयं से स्वयं का, आत्मा से आत्मा का, आत्मा को आत्मा को आत्मा से उद्धृत करो। उद्धृत उद्धृत का तात्पर्य है उद्धार करो, इसका एक अर्थ यूँ भी समझ सकते हैं कि स्वयं से स्वयं का उद्धार करो। न आत्मानम अवसादयेत, और अपनी आत्मा को न अवसादयेत, अवसाद में नहीं ले जाना चाहिए, दुखी मत करो, अधोगति होने योग्य नहीं है, अपने आप को अधोगति में नहीं प्रवृत्त करना चाहिए। कितना महान संदेश है। फिर कहते हैं आत्मा एव ही आत्मनः बंधु, हे अर्जुन आत्मा ही आत्मा का बंधु है। यात्मना आत्मा ही आत्मा का बंधु है, मित्र है। आत्मा एव रिपु आत्मना, और ये आत्मा ही स्वयं का, आत्मा का रिपु है। इसे श्री संप्रदाय के भक्ति मार्गी रामानुजाचार्य ने क्या कहा है, आत्मा से एक आत्मा का अर्थ उन्होंने मन लिया है, कि हम जिसने जो व्यक्ति अपने आत्मा से अपने आत्मा द्वारा आत्मा से आत्मा का उद्धार करे, व्यक्ति को मनुष्य को मन से आत्मा का उद्धार करना चाहिए, मन से आत्मा को कभी नीचे न गिरावे, क्योंकि मन ही हमारा आत्मा का बंधु है और मन ही आत्मा का दुश्मन है। बाहर के दुश्मन और बाहर के बंधु वो आप उनको बाद में दृष्टिगत कीजिए, अंदर बैठा हुआ सबसे बड़ा बंधु और सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो हमें उसका देखना चाहिए और आत्मा को अपनी स्थिति को देखना चाहिए, पर मुखापेक्षिता नहीं रखनी चाहिए कि कोई और उद्धार नहीं करने वाला है। अवसाद भी हो गया है तो
जितना हम स्वयं कर सकते हैं उसका कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इस प्रकार इस श्लोक का बहुत ही इसकी प्रासंगिकता है। हम इसको थोड़े से और रूप में देखेंगे, क्योंकि जब अवसाद शब्द आया है तो अवसाद को हम डिप्रेशन के रूप में भी जानते हैं। आजकल का वातावरण ऐसा है कि एक अध्ययन के मुताबिक 20 में से 5 व्यक्ति, लगभग 5 व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार हैं। संपूर्ण विश्व का आंकड़ा है। कोई न किसी न किसी मानसिक कुस्वास्थ्य, कुप्रबंधन के कारण उनके अंदर जो हार्मोनल इनबैलेंस होता है, जिसे मेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति। बहुत बड़ी समस्या है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, ये कालातीत संदेश है, देखिए, आत्मानम न अवसादेत, अपने आप को अधोगति में नहीं ले जाना चाहिए, अपना उद्धार स्वयं करो, स्वयं का उद्धार स्वयं से करो, क्योंकि अपनी अधोगति नहीं होने देनी, कभी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का शत्रु वह स्वयं है, मनुष्य का बंधु भी मनुष्य स्वयं है, और वह स्वयं का बंधु भी है और स्वयं का दुश्मन भी है। कैसे स्वयं से स्वयं का कैसे हम देखें तो समाज और राष्ट्र की स्थिति किससे बनी है, व्यक्ति से ही बनी है। वैयक्तिक समृद्धि से समाज की समृद्धि बनती है, राष्ट्र की, देश की समृद्धि बनती है। व्यक्ति दुखी है तो समाज दुखी है, देश दुखी है। व्यक्ति सुखी है तो समाज और राष्ट्र भी सुखी है। तो ये सुख और दुख की ये जो सामाजिक और राष्ट्रीय सुख दुख के रूप में इसकी प्रस्तुति, इसका व्यापक संदेश है। वैयक्तिक यदि ये इसको कहें हम आदि, मानसिक समस्या को आदि कहते हैं और शारीरिक को व्याधि कहते हैं, वी आदि की व्याधि। तो इन दोनों से बचने के लिए भगवान समत्व का संदेश देते हैं। तो समाधि, समाधि, समाधि का मतलब मरण नहीं, मोक्ष नहीं, दोनों में समान रहो, आधि और व्याधि में दोनों बीच में रहो, समाधि। आधि मानसिक व्यथा। तो इस समय बहुत बड़ी समस्या, इस गीता का यह श्लोक है वो त्रिकालाबाधित शिक्षा देता है, सत्य है, त्रिकालाबाधित सत्य है, क्योंकि वैयक्तिक सुख दुख ही सामाजिक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सुख दुख का आधार बनते हैं। तब प्रत्येक मनुष्य को अपने सुख या दुख का स्वयं निर्माण करना है, समाज और राष्ट्र तभी तो सुखी होंगे। ऐसा इसका ऐसा महान श्लोक है। इस श्लोक की हम बहुत ज़्यादा व्याख्या कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर अवसाद की बात आई तो मैं आपको एक संदेश इस श्लोक के माध्यम से देना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई बार अर्जुन को ध्यान, ध्यान शब्द के लिए, अभी पिछले हमने चौथे पांचवें अध्याय में ध्यान शब्द आया, तो इस मेंटल डिसऑर्डर, आज की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कोविड-19 के कारण पूरा विश्व अभी अपनी पटरी पे नहीं आया है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सभी क्षेत्रों में गतिविधियां इस समय लगभग ठप पड़ी हैं, और भारत जैसे जो कृषि प्रधान देश है, बहुत बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, फिर भी यहाँ पर उतना उसका प्रभाव नहीं होते, महामारी का प्रभाव नहीं होते हुए भी कुछ एक तरह से बंदिश आई है। बंदिशों में ये नकारात्मकता, ये नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो हमें इस प्रकार के श्लोक हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, हमारे लिए एक कैप्सूल की तरह है। सामान्य व्याधि होने पर, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, या डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, ये बीमारियां होने पर हम एंटीबायोटिक लेकर के उससे एक आंतिक निवृत्ति पा लेंगे, लेकिन आत्यंतिक निवृत्ति इस मेंटल डिसऑर्डर के लिए, आत्यंतिक निवृत्ति के लिए दवाइयाँ हार्मोन को कितना प्रभावित कर सकती है, ठीक, दवाइयाँ बंद कर देने समस्याएँ, दवाइयाँ ज़्यादा लोगे तो भी समस्याएँ हैं। तो ये जो संदेश है बहुत महान संदेश है भगवान का, स्वयं का उद्धार स्वयं करो, कभी अधोगति में मत ले जाओ, ऐसा करो मत करो कि अधोगति में चले जाएं, क्यों भविष्य समाप्त हो जाए, ऐसा करते क्यों करें। तो इस प्रकार यहाँ शारीरिक व्याधियों पर नियंत्रण पाने के लिए दवाइयाँ बनी हैं ऐसा कहा गया है, लेकिन इस प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भगवान ने ध्यान का अर्जुन को कहा है। ये ध्यान बंधुओं, ये आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लें कि कहा गया है विष्णु पुराण में एक श्लोक है
कि मनः एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यार कि मन को इतना डिप्रेशन में नहीं ले जाना कि परिस्थितियां आती हैं जीवन में, संघर्ष करना पड़ता है। इस समय स्वाभाविक है, संघर्ष का समय है, हर प्रकार की आजीविका से संबंधित रोजी रोटी सब प्रकार की। भगवान यही तो संदेश दे रहे हैं, सत्य सन्मार्ग पर चलते हुए विषम परिस्थितियों में लड़ने वाला हर व्यक्ति आज का अर्जुन है। ऐसे में, ऐसे नकारात्मक समय में इस प्रकार के श्लोक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि आप परिस्थितियों के साथ तादात्म्य में बिठा करके उनसे लड़ना है, उनसे हार नहीं जाना है। ये संदेश है। भावनाएं स्वाभाविक है कि परेशानी, हताशा, निराशा, दुख, ये सब आते हैं जीवन में, मान लिया बिल्कुल इसको स्वाभाविक है। लेकिन तो यहाँ कोई ये विकार आते हैं, लेकिन ये विकार जब ज़्यादा समय तक रहेंगे तो बीमारी बन जाएंगे, और फिर हफ्ते, महीनों, साल में आने पर व्यक्ति में इस प्रकार की नकारात्मकता आ जाएगी कि उसे मेंटल डिसऑर्डर के रूप में सामने आ जाएगा। तो इसका, इस मानसिक स्वास्थ्य का प्रबंधन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में ध्यान शब्द को गीता में कई बार कहा है। ध्यान तो योग का सातवां चरण है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस सातवां है वो ध्यान है। ध्यान है शरीर के छह ग्रंथि स्थल है, उन छह ग्रंथि स्थलों पर ध्यान करो। श्वास पर ध्यान दीजिए, चढ़ाने, रोकने और उतारते समय केवल श्वास पर ध्यान देना। ये महान मेडिटेशन की जो भारतीय अवधारणा है, इस समय हमारे अंदर नई चेतना पैदा कर सकती है, आवश्यकता इसको करने की। ये मैं विज्ञान का एनाटॉमी का प्रोफेसर नहीं हूँ, किंतु संस्कृत से संबद्ध है आयुर्वेद, तो इतना जानता हूँ कि शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, और इनमें जो बहने वाले जो हमारे विशेष स्राव स्थल हैं, जहाँ स्राव होता है, जिसको हार्मोन कहते हैं, दो तीन तो मुझे याद है। एक तो कार्टिसोल हार्मोन बहुत बड़ा काम करता है, एक अवसाद के लिए जिम्मेदार हार्मोन है वो है डोपामाइन, एंडोर्फिन। तो ये समान मात्रा में स्राव करें तो ठीक रहता है, कम ज़्यादा होने पर दिक्कत होती है। तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ जब पैदा होती हैं, लंबे समय तक रह जाती हैं, तो ये हार्मोन प्रभावित करते हैं शरीर को। व्यक्ति अनुत्साही हो जाता है, निराशा के गर्त में खो जाता है। यहाँ उसके लिए संवाद बनाए रखना ज़रूरी है। आस पड़ोस के परिवार के लोगों का फर्ज है कि उससे संवाद करते रहें और उसकी समस्या का समाधान करें। अकेला छोड़ देने पर उसके अंदर नकारात्मकता आएगी। तो यहाँ बताने लायक बहुत सारी बातें कह चुके हैं हम, इस श्लोक से ही संबद्ध हैं। भगवान कृष्ण का ये कालजयी संदेश है, इसको इस रूप में ना लिया जाए, इसलिए श्लोक में आया न आत्मानो अवसादे, अपने आप को अवसाद में नहीं ले जाना चाहिए, स्वयं से स्वयं का उद्धार करो अर्जुन, अधोगति में मत ले जाओ खुद को, क्योंकि हम, मन ही हमारा बंधु है और मन ही हमारा रिपु है, दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। बहुत बड़े इस प्रकार ये ऑटोथेरेपी का बहुत शानदार श्लोक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इस श्लोक का पदच्छेद करके बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। बंधु आत्मानः आत्मनः तस्य बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। अब मैं अनुवाद कर देता हूँ इसका, कैसे? हे अर्जुन, बंधु आत्मा अस्ति, उसकी बंधु आत्मा है। किसके लिए? येन, येन आत्मना आत्मा जीतः, जिसने आत्मा से, जिसने आत्मा के द्वारा आत्मा को, मन को जीत लिया है, जिसने आत्मा स्वयं से स्वयं को जीत लिया है, उसके लिए उसका आत्मा क्या है? बंधु आत्मा, बंधुर आत्मा।
ऐसे उस साधक के लिए, ऐसे उस पुरुष के लिए निसंदेह उसका आत्मा वह बंधु है। और अनात्मनस्तु, जो ऐसा नहीं करता है, अर्थात जिसने आत्मा से आत्मा को नहीं जीता है, उसके लिए क्या शब्द है? अनात्मनस्तु, न आत्मनस्तु, जिसने स्वयं से स्वयं को नहीं जीता है, ऐसे व्यक्ति के लिए शत्रुत्वे वर्तित आत्मा एव शत्रुवत्, उसके लिए उसका आत्मा शत्रु की तरह शत्रुता बरतता है। शत्रुत्व शत्रुवत शत्रुत्व वर्तित, दुश्मन की तरह दुश्मनी निभाता है, जिसने स्वयं पर नियंत्रण नहीं किया, स्वयं से स्वयं को नहीं जीता, जिसने मन से आत्मा को नहीं जीता, जिसने जीत लिया उसके लिए तो बंधु है, नहीं जीता उसके लिए बड़ा दुश्मन है, उसके लिए पग पग पर दुश्मनी बरतता है। ये महान श्लोक है। इस तो बंधु और शत्रु की परिभाषा बताई। इस बंधु और शत्रु के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने इसके पहले वाले श्लोक में भी यही बताया है। एक और किसी श्लोक की पंक्ति याद आती है मुझे जो गाना चाहिए, क्योंकि गीता है, गीते आगता सा या गीता, भगवान ने गीत के माध्यम से अर्जुन को संदेश दिया गीते, वो है सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। सुख और दुख को देने वाला कोई और है, पर है, दूसरा व्यक्ति है जो सुख देता है ना दुख देता है, ये जो भी सोचता है वो उसकी कुबुद्धि है, मूर्ख है वो जो समझता है कि सुख देता है दुख देता है हमें। कोई सुख नहीं देता है, कोई दुख नहीं देता है, हमारे सुख और हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं। इस प्रकार बंधु और शत्रुता के विषय में इस श्लोक में भी भगवान ने ऐसा ही प्रतिपादन किया है जैसा पांचवे में किया था, छठे में भी बेशक ऐसा ही विषय है। जिसने अपने मन को नहीं जीता उसका वह मन अपने लिए शत्रु की भांति, और जिसे जीत लिया उसके लिए बंधु की भांति रहता है, स्वाभाविक बात है। आगे बढ़ते हैं। जीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। क्या कहते हैं जीतात्मन, पृथक करते हैं इसको। हे अर्जुन, जिसने अपने मन को जीत लिया है, मन को जीत चुके व्यक्ति के लिए प्रशांतस्य, ऐसे शांत चित्त वाले व्यक्ति के लिए समाहित परमात्मा। लेकिन पहले दूसरी पंक्ति का अर्थ देखेंगे, इससे अर्थ अधिक स्पष्ट हो रहा है कि शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः, ये सप्तमी द्विवचन और एकवचन में आ रहा है। शीत उष्ण जीवन की परिस्थितियां हैं, शीत और उष्ण में, सुख और दुख में, तथा मान अपमान में, मानापमानयो, मान और अपमान में, शीत उष्ण में, सुख दुख में, मान अपमान में, जिसका आत्मा क्या है? जीता हुआ है, जीतात्मना, जिसने अपने मन को जीत लिया है, उस प्रशांतस्य, उस शांत, उस प्रशांत पुरुष के मन में परमात्मा समाहितः। भगवान किसके अंदर रहता है? परमात्मा किस में समाया हुआ रहता है? परमात्मा किस में समाहित है? जिसने समत्व अपना लिया है, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, ऐसे जिसने अपने स्वयं को जीत लिया है, ऐसे शांत चित्त वाले व्यक्ति के मन में परमात्मा विराजमान रहता है। कितना महान श्लोक है, समत्व की शिक्षा। तो इस प्रकार भगवान इस कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ आगे आने वाले श्लोकों में समत्व की महान शिक्षा दी है। देखते हैं आठवां श्लोक। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तः इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। ये भगवत गीता के श्लोक ऑटो थेरेपी वाले महान संदेश है। त्रैकालिक सत्ता प्रतिपादित की गई है संदेशों की इसके द्वारा। जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, तृप्त आत्मा वाला है, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा मतलब जिसका मन, जिसका आत्मा ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, परिपूर्ण है, भरे हुए पेट वाला है, ज्ञान विज्ञान कूटस्थ है, जो अर्थात विकार रहित है, कूटस्थ का अर्थ, जो विजितेंद्रिय है, जिसने इंद्रियों को, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, विजितेंद्रिय, युक्त इत्युच्यते योगी, ऐसे योगी को युक्त कहा जाएगा। युक्त का तात्पर्य यहाँ भगवान
कृष्ण ने युक्त को अलग रूप में कहा है, मैं बताता हूँ। पहले चतुर्थ पद ले लेते हैं, तीन लक्षण बता करके चौथा लक्ष्य प्रतिपादित कर रहा, अर्थात कौन सा योगी युक्त कहा जाता है। इस श्लोक का विषय है कौन सा योगी, योगी कौन है और वह युक्त कब कहलाएगा। परमात्मा ज्ञान से ईश्वर साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार रूप योगाभ्यास के लिए जो योगी है वो कौन है। तो एक तो वो जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूटस्थ है, जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है, और जो चौथा देखो समलोष्टा अश्म कांचना, जो मिट्टी पत्थर और कांचन मन सुवर्ण को समान मानता है, उसकी दृष्टि में मिट्टी पत्थर और सोना सब समान है, कोई अंतर नहीं विशेष। ऐसा समत्व धारण करने वाला व्यक्ति योगी युक्त उच्चते, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। युक्त अर्थात आत्म साक्षात्कार के लिए योगाभ्यास का अधिकारी, समत्व योगी, समत्व युक्त, समत्व बुद्धि से युक्त कहा जाता है ऐसा योगी। सामान्य योगी होते हैं, सामान्य आसन प्राणायाम करने वाले को योगी कहने में कोई दिक्कत नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में, योग करता है वो योगी होता ही है। किंतु यहाँ गीता के अर्थ में सच्चा योगी कौन है, हर व्यक्ति को योग कर रहा है उसको योगी नहीं कहना चाहिए, वो योगी नहीं है। जो सन्यासी है, कर्म सन्यासी, फलों की इच्छा का त्याग कर दिया जिसने, जो पत्थर और मिट्टी और सोने को समान समझता है, जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखा है, जो कुटस्थ है, किसी प्रकार का विकार नहीं आता है, जिसके कार्य जनता की भलाई के लिए, जिसके लिए जाति संप्रदाय कोई मायना नहीं रखता है, जो जनता के हित के काम ही करता है सदैव, वो योगी है। इस प्रकार इस श्लोक में ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विजितेंद्रिय और समदृशदर्शी समदृष्टा को युक्त योगी कहा गया है। नवा श्लोक देखते हैं, सुयन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। महान श्लोक ये भी कि कौन विशिष्ट है, कौन श्रेष्ठ है, कि जो सुहियत शब्द आया सुहियत इति शोभना हृदय यस्य इति सुहियत। वैसे मित्र के लिए भी सुहियत शब्द प्रयोग में आता है, लेकिन सुहियत का अलग अर्थ है। सुहियत का अर्थ है स्वार्थ रहित, सबका हित चाहने वाला सुहियत। मित्र कौन है, जो अच्छे और बुरे समय में साथ में रहता है, उसको हम मित्र कहते हैं। पक्षपात रहित, उदासीन, मध्यस्थ, दोनों ओर की भलाई चाहने वाला, अंग्रेजी के लिए उसमें मीडिएटर शब्द काम में आता है, मध्यस्थ। द्वेषी बंधुओं में, साधुओं में, पापेश मन पापी में, इतने लोगों में जो समबुद्धि रहता है, जो इनमें समबुद्धि है, किन किन में, सुहियत में, जो व्यक्ति, जो साधक, जो कर्मयोगी सुहियत में, अर्थात स्वार्थ रहित सबका हित चाहने वाले सुहियत में, मित्र में, अरि शत्रु में, मित्र अरि उदासीन, तो मित्रार्य उदासीन। ध्यान दें संस्कृत के ये कठिन समझ में नहीं आज ऐसा ही है, मित्र अरि मित्रारी, मित्रारी उदासीन, मित्रार्य उदासीन, इसलिए यहाँ बीच में अरि शब्द आया हुआ है, संधियों के कारण दिख नहीं रहा। तो पहला सुहियत, दूसरा मित्र, तीसरा अरि, चौथा उदासीन। अरि यानी शत्रु, जो मित्र में, शत्रु में, उदासीन में, उदासीन का तात्पर्य हुआ पक्षपात रहित, उदासीन, दोनों की भलाई चाहने वाला, कौन है, मध्यस्थ। और द्वेषियों में, द्वेष करने वालों में और बंधुओं में, अच्छे लोगों में और पापी लोगों में समबुद्धि रखता है, वह अति श्रेष्ठ है, वह विशिष्ट है अर्जुन। यहाँ आत्मसंयम योग में कर्मयोगी की प्रशंसा करते हुए श्रेष्ठ कर्मयोगी कौन है, सब इन सबको बराबर दृष्टि से देखिए, वो विशिष्ट है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समत्व की महान शिक्षा दी है। समत्व योग के लिए दूसरे अध्याय में भी इसके कुछ सूक्ति आई है, समदुखे सुखे जगत, समदुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, और भी कहा है
कि समत्वम योग उच्यते सिद्धि सिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में एक रह करके समान रह करके ऐसी ऐसी समत्व शब्द गीता में 15 से अधिक बार आए। भगवान ने समत्व की शिक्षा दी है। तो समत्व योग इस योग के आगे समत्व योग आ गया। जीवन में ये समता बहुत जरूरी है, इसका प्रतिपादन इस श्लोक के बाद भी किया गया है। एक और श्लोक पढ़ेंगे हम फिर आगे। योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। यह आत्मसंयम योग नामक 6 अध्याय का 10वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी युंजित, युंजित का तात्पर्य है वही योग में निरंतर युंजित रहे, नियुक्त रहे, नियुक्त युक्त बना रहे। कौन? जो सततम निरंतर आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। लक्षण बताए कौन कौन, कौन सा योगी युंजित कैसे रहे? जो एकाकी यत चित्तात्मा, जो अपने चित्त और मन को जीत करके वश में करके करके एकांत, एकाकी मतलब एकाकी तात्पर्य अकेलापन नहीं, एकांत, एकांत विहार भी बहुत बड़ा सुख है। चित्त और मन को वश में करके जो साधक, जो कर्मयोगी एकाकी निराशी होकर के अर्थात आशा रहित होकर के और अपरिग्रह, परिग्रह से रहित होकर के। सामान्य संसारी लोग होते हैं वो परिग्रह में ही चिंता में रहते हैं, प्राप्ति की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा, लेकिन अपरिग्रह, एक तो आशा रहित और एक परिग्रह से रहित होकर के जो आत्मानं रहसि स्थितः, जो स्वयं को एकांत में अकेला स्थित होकर के रहता है सततम निरंतर, ऐसा व्यक्ति जो निरंतर आत्मा में स्थित रहता है स योगी युंजित, वही व्यक्ति हे अर्जुन वही अपने आप को निरंतर योग में नियुक्त करे, ऐसा आदेश है। 11-12 श्लोक करते हैं हम, एक और श्लोक देखें। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरवासनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजीन कुशोत्तरम्। ध्यान की कुछ विधियों का प्रतिपादन किया है बैठने के लिए। जब व्यक्ति साधना में रत रहता है, कर्म करता है या तो उसको एक निश्चित स्थान पर बैठ करके ये प्रतिदिन इस प्रकार साधना करनी चाहिए या ध्यान करना चाहिए। शुचो उद्देश्य प्रतिष्ठाप्य, शुचो मतलब पवित्र स्थान पर, देश का तात्पर्य यहाँ स्थान से, किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करके क्या स्वयं को स्थिर आसन, स्वयं को स्थिर आसन में स्थापित करके। कैसा हो स्थिर आसन? नात्युच्छितम, न अत्यधिक ऊंचा हो, ना अति नीचम, न अत्यधिक नीचा हो, न ऊपर न नीचे, जैसा स्वामी रामदेव जी करते हैं ना प्राकृतिक दृश्यों में, नदी किनारे किसी पेड़ के नीचे बैठ करके योग करवाते हैं ना। तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, किसी शुद्ध स्थान, पवित्र स्थान पर में स्थिर आसन अर्थात अत्यंत स्थिर आसन स्थापित करके, न अत्यधिक ऊंचा न नीचा, फिर च एलाजिन कुश उत्तरम, उस स्थान पर चैलाजिन कुश उत्तरम, ये तीन क्रमशः उसके ऊपर रखने चाहिए, अर्थात उस पर क्रमशः वस्त्र, वस्त्र के ऊपर मृगशाला और मृगशाला के ऊपर कुशाओं का आसन स्थापित करके बैठ करके व्यक्ति को साधना मार्ग में प्रवृत्त होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ कुछ विधि का प्रतिपादन किया है। 12वां श्लोक पढ़ करके आज के पारायण को विराम देंगे। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतच्चित्तेन्द्रिय, फिर से पढ़ेंगे इसको। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतच्चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये। हे अर्जुन तत्र एकाग्रम मनम, मनः कृत्वा, तत्र मनः एकाग्रम कृत्वा, उस स्थान पर बैठ करके इस प्रकार जो अपने मन को एकाग्र करके बैठता है, अर्थात जो मन को एकाग्र करके मन की शांति, एकाग्रता, एक विषय में स्थिति, यत चित्तेन्द्रिय अक्रिय, जो यत का मतलब है जीतने से, जिसने चित्त को, इंद्रियों को, चित्त सहित इंद्रियों को, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को जिसने रोक दिया है, अक्रिय, चित्त इंद्रिय अक्रिय, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को रोक करके मन को एकाग्र करके,
कृत्वा इति करके उपविश्य आसने, उपविश्य का मतलब बैठ करके, उस निर्धारित स्थान पर बैठ करके। एक और शब्द है अंत में श्लोक के, वो है आत्मविशुद्धये। किसके लिए करे ऐसा? आत्मा की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपने आत्मा की पवित्रता के लिए करे। क्या करे? युंजात, युक्ति का कार्य करे, साधन करे, प्रवृत्त हो। किसमें? योगम। एक बार फिर से अन्वय करेंगे श्लोक का। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यतच्च यतचित्त इंद्रिय अक्रिय उपविश्य आसने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये। मधुर शब्द गुंफन है गीता में। योग में क्यों प्रवृत्त हो? आत्मशुद्धि के लिए प्रवृत्त हो। योग में युक्त करे, योग का साधन करे, योग में प्रवृत्त हो अर्जुन। मन को एकाग्र करके, अपने चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को रोक करके, कितना भी बाहरी संसार में कितना व्यवधान हो, कोई प्रभाव नहीं पड़े उस पर। आत्मा की शुद्धि के लिए योग में प्रवृत्त हो, योग का प्रवर्तन करें। इस प्रकार आत्मसंयोग संयम योग नामक छठे अध्याय के 12 श्लोकों का हमने पारायण किया। प्रिय बंधुओं, भगवद गीता पारायण का यह क्रम इसी प्रकार अगले सप्ताह तक हमारे चलाने की हमारी पूरी इच्छा है। ओम जय श्री कृष्ण।